बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसमें तकरीबन हम 100 ग्राम के करीब हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसमें शामिल कर देंगे हम जो हमने चिकन लिया है। चिकन हमने तकरीबन 1 किलो के करीब लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। चिकन जो है तकरीबन ब्राउन हो चुका है, तो इसमें शामिल करेंगे हम 2 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी जो है वो साथ ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह। अदरक और लहसुन के पेस्ट को तकरीबन हमने 2 मिनट जो अच्छी तरह इसमें फ्राई किया है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी, और इसको कवर कर देंगे तकरीबन हम 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 कवर किए हुए तकरीबन जो है वो 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम चेक करेंगे, पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है और चिकन जो है तकरीबन वो भी गल चुका है। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 चम्मच जो है वो ग्रीन पेस्ट। ये ग्रीन पेस्ट जो है इसमें सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया और पुदीना जो है वो हमने अच्छी तरह जो है उसको ग्राइंडर कर लिया, तो इसमें जो है अच्छी तरह वो मिक्स करेंगे। और इसको तकरीबन हम 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद कटी हुई बारीक सब्ज़ मिर्च, और उनको भी साथ जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो इसको तकरीबन हम मज़ीद जो है वो 2 से 3 मिनट जो है वो इसी तरह फ्राई करेंगे। तो हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे दही, जो तकरीबन हमने 400 ग्राम लिया है, तो वो भी इसमें शामिल करके इसको जो है वो मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और इसको तकरीबन हम 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छी तरह फिर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट जो हो चुके हैं, तो अब इसमें हम थोड़े से जो है वो खुश्क मसाले शामिल करेंगे। नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर जो है वो भी 1 टेबलस्पून। उसके बाद काली मिर्च तकरीबन जो है वो 1/2 चम्मच, और उसके बाद ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन इसमें वो भी 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह भून लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ दिए गए बेल के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको वो टाइम पर मिल सकें। तो मसाले को तकरीबन हम 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छी तरह भून लेंगे। तो मसाले का जो है वो हमने अच्छी तरह जो है वो भून लिया है, तो मसाला जो अच्छी तरह भून चुका है। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम, जो तकरीबन हमने 100 ग्राम ली है, तो वो भी इसमें जो है वो शामिल कर देंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो क्रीम मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट जो है वो और अच्छी तरह जो है वो भून लेंगे। तो ये फूड स्ट्रीट की जो है वो बहुत ही जो स्पेशल डिश है, ग्रीन चिकन कढ़ाई, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट जो है वो मज़ीद और जो है वो भून लेंगे।
डाल के इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट जो अच्छी तरह भुना है। तो कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है। तो इसमें अब शामिल करेंगे गार्निश के लिए थोड़ा सा जो है वो सब्ज़ धनिया। तो रेडी है हमारी ग्रीन जो है वो चिकन कढ़ाई। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।